आज मैंने डिसाइड किया कि मैं एकदम एक्सट्रीमली ओपी हो जाऊंगा और ड्रैगन को स्मेल्ट करके हराऊंगा। वो कैसे? लेट्स फाइंड आउट। ओके गाइस, हम लोग आ गए हैं एक बीच पर। वाओ, बढ़िया जगह स्पॉन किया है। हालांकि इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। देखते हैं स्मेल्टिंग करके आज हमें क्या मिलता है। हम लोग बहुत कम स्मेल्टिंग करते हैं और यहाँ आस पास तो कोई विलेज भी नहीं है। यार ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हो, मुझे केव मिल गया भाई। यहाँ पे तो आयरन वायरन जल्दी मिल जाएगा। हम लोग स्मेल्ट कैसे करेंगे? सिर्फ फर्नेस से नहीं, हमें एक अलग टूल बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सच में केव की जरूरत थी। तो केव तो हमें मिल गया, तो अभी हम पहले चॉप 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 कर लेते हैं। मेरे देश की लकड़ी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की लकड़ी। तो हम थोड़ा सा टूल्स वूल्स भी बना लेते हैं। अभी हम जाके पत्थर तोड़ेंगे। आ जाइए पत्थर, हमें जल्दी से एंडर ड्रैगन मारना है। और अब हम लोग उस स्टोन से बना लेते हैं अपना पिकेक्स। और ये देखो हमारा स्वागत करने कौन आ रहा है, हमारा प्यारा प्यारा ज़ॉम्बी। सर क्या हुआ? सर सर हमारे पास नहीं आ पा रहे। अरे तीन तीन आ गए यार, झुंड में तो शेर आते हैं। शेर अकेला आता है, इधर आइए। बस पास मत आना मेरे शेर को, इतना पास से भी शिकार करना पसंद नहीं है। यू नो सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना फिर से आ गया है, तुम लोगों की समझते नहीं हो। थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। यस, ओह आयरन दिख गया है भाई। आयरन की हमें सख्त जरूरत थी, तो चलो आयरन कलेक्ट करने चले। और वैसे हम ये 1.16.5 में खेल रहे हैं। चलो हमें यहाँ पर थोड़े बहुत आयरन मिल गए हैं, लेकिन यहाँ कोल बहुत सारे मिल गए हैं। तो हम फटाफट से टॉर्च का निर्माण कर लेते हैं। और वहाँ पर भी मुझे आयरन दिखाई दे रहा है इतना दूर, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर है कठिनाई। लेकिन हम किसी भी कठिनाई का सामना करके जाएंगे, क्योंकि हमें फर्नेस बनाना है और हमें ब्लास्ट फर्नेस बनाना है। एक्चुअली पता नहीं मैंने ये पहले ही क्यों बता दिया, लेकिन ठीक है। अब यहाँ से मुझे, ओ यहाँ पे कोल ही कोल है यार, इतना सारा कोल भाई। लेकिन ठीक है, फ्री का माल हम कभी भी छोड़ते नहीं है। वैसे भी स्मेल्ट करने के लिए हमें इसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। भाई कोल तो इतना इकट्ठा कर लिया है हम लोगों ने, ऐसा लग रहा है अभी कोयले का बिजनेस करेंगे। अभी यहाँ पे ग्रेवल है, वो भी ले लेते हैं। मुझे फ्लिंट चाहिए, फ्लिंट एंड स्टील की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलो अभी जो जो सामान चाहिए था वो हमें मिल गया। हालांकि फ्लिंट का काम बाद में था, लेकिन ठीक है। अभी यहाँ पे पहले तो हम लोग एक फर्नेस बनाने वाले हैं। इसके अंदर में बनाएंगे एक फर्नेस और इसके अंदर में हम आयरन को पकने के लिए डाल देते हैं और एक और फर्नेस बना लेते हैं। भाई तुम्हें तो पता ही है ब्लास्ट फर्नेस की रेसिपी क्या है। इसके अंदर में हमें स्टोन्स को भी पकाना है यार। तो भाई आयरन तो हमें मिल गया है और स्टोन यहाँ पे पक रहा है। एक्चुअली इस स्टोन को भी दोबारा से हमें पकाना है। ये ब्लास्ट फर्नेस बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। यहाँ पर स्मूथ स्टोन अब रेडी हो गया है और अब हमारा ब्लास्ट फर्नेस बन सकता है। यहाँ पे रखेंगे फर्नेस, नीचे में लगाएंगे ऐसे और ऊपर में हमें लगाना है आयरन और यहाँ पर एक, और हमारा ब्लास्ट फर्नेस रेडी है। और अभी इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में होने वाला है ओपी एंचेंटमेंट। तो हम इसे रखते हैं यहाँ पर और इसके अंदर में हम कोई भी टूल डालेंगे तो उसका होगा गजब का एंचेंटमेंट। तो पहले हम आयरन की पिकेक्स से शुरू करते हैं। इसके अंदर में हम लोगों ने डाला आयरन की पिकेक्स और यहाँ पे डालेंगे कोल। ओ कितनी जल्दी हो रहा है। ओ मिल गया सिल्क टच लेवल 1000। भाई सिल्क टच क्यों मिला है, 1000 मिला है? सिल्क टच तो कैसे भी मिलो, वो तो नॉर्मल होता है। पहले वाले में इतना मजा नहीं आया, लगता है दोबारा बनाना पड़ेगा। चलो अभी जितना भी पिकेक्स बनेगा वो सब हम बना लेते हैं। भाई कुछ अच्छा सा देना इस बार यार, ऐसे लूल मत कर देना मेरे को। फॉर्चून 1000, ओ भाई ये सबसे सही चीज मिली है। भाई 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 मजा आ गया। और दूसरे में, अरे 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 मेंडिंग 1000। ठीक है मेंडिंग काम का, लेकिन 1000 का कोई काम नहीं है। मेंडिंग होता है यार, ये तो चोमू भी बना। एफिशिएंसी, ओ यार ये सही चीज दी है। और एक और का डालते हैं, इस बार कुछ और अच्छा मिले। अनब्रेकिंग, ओ भाई तो एक में अनब्रेकिंग, एक में एफिशिएंसी, एक में फॉर्चून। ओ भाई एफिशिएंसी वाला चाह के देखते हैं। भाई एफिशिएंसी वाला, ओ क्या बात है, एफिशिएंसी तो गजब है भाई, मजा यार। अरे 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 अरे। लेकिन यार ये कितनी जल्दी जा रहा है। एक मिनट, मैं सब पे अलग अलग ट्राई किया हूँ, मैं एक के ऊपर ही दो लगा सकता हूँ क्या? एक बार मैं एफिशिएंसी पे नहीं, मैं मेंडिंग पे ट्राई करता हूँ। मेंडिंग वाले को वापस डालता हूँ, देखता हूँ उसमें दो इफेक्ट्स मिलेंगे क्या मुझे। ओ ये चेंज हो गया, चलो ये भी बेटर है एटलीस्ट। ठीक है मेंडिंग चेंज होकर एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो गया, या मैं इससे भी खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सिल टच वाले को भी मैं ये चीज कर सकता हूँ, या सिल टच मुझे नहीं चाहिए, सिल टच की जगह फिर से एफिशिएंसी। चलो ठीक है एफिशिएंसी वाले
मेरे पास 3 पिकेक्स हो गए, अनब्रेकिंग भी बढ़िया है और फॉर्चून वाला तो मजा है, मुझे तो और फॉर्चून चाहिए। तो अभी बढ़िया काम हुआ है, एक काम करते हैं ना, 3 एफिशिएंसी की जगह एक और फॉर्चून मिल जाए तो मजा आ जाए। 2 फॉर्चून, यस 2 फॉर्चून वाले मिल गए हैं मुझे पिकेक्स, तो 2 एफिशिएंसी, 1 अनब्रेकिंग और 2 फॉर्चून वाले और बहुत ही बढ़िया काम। अभी हम आयरन वायरन और ढूंढते हैं अभी देखते हैं जब फॉर्चून लेवल से हम लोग तोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो पहले मैं थोड़े आसपास की जगह खाली कर देता हूँ, यू नो हमारा ट्रेडिशन है, वैसे तो हम डायमंड के साथ करते हैं लेकिन ठीक है। तो फॉर्चून लेवल 1000 वाला पिकेक्स मैंने हाथ में ले लिया है, अभी से तोड़ते हैं। और मतलब 1000 होने का कोई फायदा नहीं हुआ क्या भाई, थोड़ा चूना लग गया लगता है हमका। ओके ये 1.17 नहीं है ना, ये 1.16.5 है, मुझे और मिल रहा है इसलिए फॉर्चून काम नहीं कर रहा है आयरन पे। ठीक है तो स्कैम हो गया मेरे साथ, कोई बात नहीं, कोल में मिलेगा ना, कोल ले लेंगे हम बहुत सारा। कितना कोल, कोल तो भर गया भाई, ये तो सोचा नहीं था मैंने फॉर्च्यून लेवल 1000 सच में काम करता है। रुको अभी मेरे पास 2, 2, 4 और 1, 5 स्टैक खाली है, तो देखते हैं कितना भरता है। अभी 2 स्टैक्स भर गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 या 2.5 स्टैक्स भर रहे हैं। इतना कोल मिल गया, यहाँ तो पड़ा ही रह गया भाई, इन कोल का मैं क्या करूँ भाई। जितना टॉर्च हो सकता है उतना टॉर्च हम बना लेते हैं, और तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है और इन कोल को फेंको बाहर, इतने कोल नहीं चाहिए मुझे। अब तो मजा आने वाला है भाई गेम का, और अब चलते हैं हम डायमंड खोजने के लिए नीचे में। तो अभी जितना आयरन मिला है उसका स्वॉर्ड भी बना लेते हैं, नीचे में हमें बहुत सारे मेहमान भी मिलेंगे और इसको भी हम ब्लास्ट फर्नेस में ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है भाई। स्वॉर्ड में क्या मिलेगा, फायर एस्पेक्ट, ठीक है फायर एस्पेक्ट कोई खास काम का तो नहीं है। फॉर्चून ठीक है, इट्स नाइस, लेकिन मुझे एफिशिएंसी मिलता तो भी मजा आ जाता। इस बार हमारे एक्स से निकला है मेंडिंग, मेंडिंग नहीं चाहिए मुझे, कुछ और दो। एफिशिएंसी यस ये काम का है, और स्वॉर्ड में फायर एस्पेक्ट फिर से नहीं चाहिए, फायर एस्पेक्ट एक है मेरे पास ऑलरेडी। फिर से भाई कुछ अच्छा दो यार। शार्पनेस, यस शार्पनेस काम का है, और हम अब चलते हैं डायमंड की खोज में नीचे। अभी हमें और नीचे जाना है, हम 17th लेवल पे हैं, तो यहाँ से हम नीचे चलते हैं एफिशिएंसी वाले से, आराम से सीढ़ी बनाएंगे भाई, बहुत आराम से भाई, ज्यादा नहीं तोड़ना है मुझे। हमें लैपिस लाजुली भी मिल गया है, आ जाइए फॉर्चून से लेंगे पूरा का पूरा। ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है, माय गॉड। डायमंड की खोज करेंगे फिर हम जाएंगे लड़ने। ओए बेडरॉक में पहुंच गया मैं इतनी जल्दी यार, पता भी नहीं चला भाई, 11th लेवल तो पीछे ही रह गया। और भाई ये आ गए हम फिर से 11th लेवल पे, यही है 11th लेवल, और यहाँ से हम डिगिंग शुरू कर देते हैं। निशानी के लिए यहाँ पे मैं तोड़ देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ पे लावा है, तो मैं लावा पूल्स ऑब्सिडियन निकाल लूंगा। आगे बढ़ो, ये वाली पिकैक्स तो कभी टूट नहीं सकती, एक टूल में एक ही चीज लगता है, अगर एक ही टूल में सारे चीज लगते तो बड़ा ही मजा आ जाता, लेकिन ठीक है इसमें भी मजा आया, तभी तो ये एक चैलेंज भी है। देखते हैं हम लोग एंडर ड्रैगन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना पाते हैं, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, एक भी पिकेक्स पे खरोंच तक नहीं आई है, फिर हमें मेंडिंग की क्या जरूरत बोलो। भाई डायमंड तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है यार, मानो डायमंड ना हो गया है क्या हो गया है, लेकिन एक डायमंड मिलना भी एनफ होगा हमारे लिए। मिल गया, नाम लिया, 2 मिला है, 2 मिलने का मतलब पता है ना हमें कितना ज्यादा मिलेगा। पहले तो इसके आसपास के एरिया को साफ कर लिया जाए, 3 ओके 4 मतलब कि पूरा इन्वेंटरी, तो ये हमें मिल गया है यहाँ पे 4 डायमंड्स। और अब हम लेंगे अपना फॉर्चून का पिकेक्स और इससे हम भाई कितना मिला है यार, ओ माय गॉड, एक में हमें 2.5 स्टैक्स मिला है ऑलमोस्ट, अभी दूसरा वाला तोड़ते हैं। ओ भाई साहब इतना सारा डायमंड, मेरे को देख के इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे इन्वेंटरी में जगह ही नहीं है, मेरे को ब्लॉक बना बना के रखना पड़ेगा। ओ भाई साहब कितना मिलेगा मेरे को डायमंड, मैं थक गया हूँ, 49 ब्लॉक्स ऑफ डायमंड और यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा है। ओ भाई ऑलमोस्ट 450 हो गया, 6 को मिला कि एक स्टैक तो नीचे रह गया था भाई साहब, टोटल 57 ब्लॉक्स हो गया है भाई, अब तो और कुछ चाहिए ही नहीं, वापस चलते तो अभी इन सब डायमंड का हम लोग टूल्स बना लेते हैं, फिर एक सेकेंड में डायमंड मैन बन गया तो अभी ब्लास्ट फर्नेस में अपने टूल्स को डाल के देखते हैं। ओह सिल टच यार, हमेशा पहले सिल टच ही क्यों मिलता है, नहीं चाहिए मेरे को सिल टच। फॉर्चून
फॉर्च्यून में शॉवल में लगा कि क्या फायदा, एफिशिएंसी नहीं चाहिए मुझे। अनब्रेकिंग यस, पिकैक्स में हमें मिला है फिर से सिल टच, नहीं चाहिए सिल टच, मुझे नहीं चाहिए। अनब्रेकिंग यस, अनब्रेकिंग तो पहले चाहिए मुझे। मेंडिंग, कितने बार मेंडिंग, पहले तो मेंडिंग मिलना इतना टफ होता था, अभी यहाँ मेंडिंग मेंडिंग अनब्रेकिंग दिया है। हाँ अनब्रेकिंग ठीक है। और हमारे पास जो आर्मर है उनको भी एनचेंट करते हैं हम। तो सबसे पहले टी शर्ट में देखते हैं हमें क्या मिलता है। थॉर्न्स, वो ये सही है भाई, थॉर्न्स लग गया, अब तो कोई हमें टच भी नहीं कर पाएगा, कमाल, ये तो एकदम सही चीज मिली है। अभी हेलमेट में क्या मिलेगा हमें? ब्लास्ट प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन ठीक है लेकिन इतना भी काम का नहीं है। ओके प्रोटेक्शन लेवल, ओके प्रोटेक्शन भी काफी सही चीज है। यस यस, हमारी चड्डी में तुम क्या दोगे हमें? फायर प्रोटेक्शन, हम इससे जलेंगे नहीं, ये भी सही चीज है यार। अभी देखते हैं जूतों में क्या मिलता है यार। सोल स्पीड, ओके सोल स्पीड, हाँ मजा आएगा। अभी हमें वैसे भी फोर्ट्रेस में जाना है, हमारा यहाँ का काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। और अभी हम अपने एफिशिएंसी वाले पिकैक्स से तोड़ेंगे ऑब्सीडियन को और देखते हैं कितनी जल्दी टूटता है। ओ भाई टच करने की देरी थी, आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ मेरे पास। भाई लावा के ऊपर तैर रहे हैं और यहाँ पर देखो, मैंने कहा था ना मुझे डायमंड की कोई कमी नहीं है, अमीर लोगों के पास रखने के लिए जगह नहीं होती यू नो। तो ये देखो क्या हो गया, और अरे डूब गया यार, अबे यार ठीक है, तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा लावा ने पोपट कर दिया यार। और अभी हम फ्लिंट एंड स्टील को भी डाल के देखते हैं उसमें क्या मिलता है। मेंडिंग यार, भाई मेंडिंग इतना आसान हो गया मेंडिंग मिलना, पहले तो मेंडिंग अनब्रेकिंग, हाँ अनब्रेकिंग ठीक है, अनब्रेकिंग ठीक है, लेकिन और भी देखते हैं और क्या क्या है ऑप्शंस। मैंने कभी फ्लिंट एंड स्टील को एनचेंट आज तक कभी नहीं किया, तुम लोगों ने किया है क्या? इसमें और क्या क्या मिलता है? अनब्रेकिंग मेंडिंग बस दो ही चीज मिल रहा है, और भी कुछ नया मिलता हो तो बस यही दो है। चलो ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी चीजें टूट रही है भाई, हाथ लगा के मक्खन की तरह चल रहा, मजा आ गया यार। इसको बोलते हैं असली जिंदगी। भाई कोई तो खाना दे दो, यहाँ पे हमें रॉटन फ्लैश खाना पड़ रहा है भाई। अरे लग जा यार, आग लग जा। अंडा तो फेंक के ट्राई करना पड़ेगा कि इसमें से मुर्गी निकलता है क्या, लेकिन पहले ओह अरे ये तो मेरे से टच होते ही मर गया मैंने सोचा मेरे को मारना पड़ेगा, मेरे पास थॉर्न्स लगा हुआ है तो मैं भूल ही गया था। ओह हाय, हाँ भाई मेरे पास प्रोटेक्शन लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा हमको, तुम हमसे फालतू में भिड़ रहे हो अरे ये लोग तो भिड़ते ही मर रहे हैं यार। हाँ हाय हाय, ये देखो एक और आ रहा है, आए आए हाय एंड बाय, आ जाओ हाय हाय लाइफ में इतना मजा तो कभी नहीं आया होगा भाई। यहाँ पे तो ड्रून पोर्टल भी दिख गया है मुझे, इस नेदर पोर्टल को कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे पास इतना सारा ऑब्सीडियन है, हमारा पोर्टल रेडी है। वैसे ऊपर में इतना सारा गोल्ड था वो तो मैंने लिया ही नहीं, तो उसे भी ले लेते हैं। लेट्स गो, ये सब क्या हमसे लड़ेंगे यार, मैं आपको तकलीफ मत दो बच्चे, छोड़ो यार। अभी हम यहाँ पे सोल पे आ गए, और इसमें तो सोल स्पीड लगा हुआ है। ओह माय गॉड, सोल स्पीड लगा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इतनी तेजी से फेंकेगा मुझे। अरे भाई ये तो ओह माय गॉड कितना स्पीड है, ओह भाई मेरे को डर लग रहा है स्पीड, अब रुक रुक, इतना क्विक हो गया ये। एक मिनट बैक से देखते कैसे भाग रहा है ये, अरे बाप रे भाई इतना तेजी से चल रहा है ये, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है भाई। मैं क्राउच करके भी चल रहा हूँ तो इतना स्पीड, मैं लिटरली क्राउच करके रखा हूँ। ये देखो मैं ये सोल स्पीड नहीं लेना चाहिए था, गलती कर दी सोल स्पीड लेके, एक बार ये सोल स्पीड वाला उतार देते हैं। भाई साहब इतनी तेजी से मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ। हाँ अब थोड़ा राहत है ये भाई। तो भाई अभी फॉर्चून वाले से हम लोग इंगट लेते हैं, कितना सारा इंगट मिल गया है भाई, कितने सारे इंगट्स बन रहे हैं यार, मैं परेशान हो गया हूँ। अभी पिगलिन से ट्रेड करने चलते हैं, मेरे को चाहिए एंडर पर्ल्स, नथिंग एल्स, उसके बाद मैं ब्लेज लेने जाएगा, तू चाहे तो मेरे को मार। ओ ये खुद ही मर गया मेरे को पता था भाई, इतना सारा गोल्ड फेंकने के बाद, इतने सारे सामान एक्सचेंजेस करने के बाद मुझे थोड़े बहुत एंडर पर्ल मिल गए हैं। अभी चलते हैं फोर्ट्रेस की तरफ, हम लोग पहुंच गए हैं फोर्ट्रेस में, कब से घूम रहा हूं मैं, मुझे ब्लेज स्पॉनर नहीं मिल रहा था और वो रहा। हाय, अरे अरे ये तो हमसे टच होते ही मर गया, मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओ हाय हाय, मुझसे टच हो जाओ, मुझसे टच हो जाओ, ये मर गया। ओ ये रहा ब्लेज रॉड, हाय हेलो हेलो हाय,
अरे 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 ऐसे क्या कर रहे हो सर? सर ऐसे तकलीफ मत लीजिए सर। आज शाम हो रहा है सर, सर आप मारते ही मर जाते हैं सर। सर ऐसे हमारे साथ बदसलूकी ना करें। ये भाई थॉर्न्स के तो मजे ही मजे हैं, कोई हमें दूर से मारता है तो भी मर जाता है। अरे विदर स्केलेटन्स भी हैं यहाँ पे तो। अरे अरे तुम ऐसे मत मरो यार। तुम आए और चले गए ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। हमसे थोड़ा बात तो करो भैया। एक चेस्ट दिखाए और भाई सैडल मिला है। हाँ सैडल मुझे चाहिए। तो भाई अब मैंने सारे एंडर पर्ल्स के बना लिए, सिर्फ एक रह गया है। तो लेट्स गो अपने पोर्टल में वापस। और भाई थोड़ा खाना पीने का इंतजाम करके चलते हैं हम लोग यहाँ से। और स्ट्रॉन्ग होल्ड भाई इस डायरेक्शन में है, ज्यादा दूर भी नहीं है और मुझे घोड़ा भी मिल गया है तो काम आसान हो गया है। ही इज नाउ माय बेस्ट फ्रेंड। इस पे लगाते हैं हॉर्स आर्मर जो मुझे नेदर में मिला था। और चलते हैं भाई, किस डायरेक्शन में जाना है? इधर में है। ओके चलो चलो। और भाई साहब इतना ट्रेवल करने के बाद मुझे यहाँ पे कहीं पे लग रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये देखो इधर में कहीं तो है। ये नीचे गया देखो। ओके ओके मैं समझ गया, अंदर में है। फिर चलो शवल लेके देखेंगे। ओह माय गॉड मेरा पिकेक्स इतना फास्ट है ना, मेरे को समझ में ही नहीं आता कितना नीचे। ओ ओ पहुंच भी गए इतनी जल्दी। और लेकिन हर बार जितनी बार भी गए उतना टाइम लगता था। और यहाँ पे अंदर गए और ये लो स्ट्रॉन्ग होल्ड तो बगल में ही था। भाई फास्ट पिकेक्स हो तो क्या नहीं हो सकता। और अब चलो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड को हम एक्टिवेट कर देते हैं। ओह माय गॉड लेट्स गो। चलो अंदर द एंड। अब देखते हैं ड्रैगन को मारने में कितना मजा आता है। अपने पास शार्पनेस वाला सब कुछ है यार। मैं इतने सारे एरोज लेके आया लेकिन मैं बो लेके नहीं आया। अब इसको ट्रेडिशनल वे में जा जाके एंड क्रिस्टल तोड़ना पड़ेगा। तो चलो अभी यहाँ से भाई टूटो भाई, अपने को डर नहीं लगता अपने पास कुछ। हाँ ओ ऊपर से नीचे गिरने पे भी हाफ हर्ट का डैमेज। इट्स वेरी इजी। अरे भाई तू क्या हमला कर रहा है। अभी चलते हैं वहां से हम ऊपर। चढ़ो 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 लो। अरे अरे ओ ओ एंडर ड्रैगन मेरे से टच हुआ के और मर गया। ये क्या हो गया? सारे के सारे क्रिस्टल ऐसे कैसे है, मैंने एक भी फोड़ा नहीं। वाह मुझे नहीं पता था उसने मेरे से टच होके खुद ही सुसाइड कर लिया। वाह मजा आ गया भाई, ये होता है गेम भाई, मजा आ गया भाई। इतने सारे एक्सपी, गेम कंप्लीट, अपना चैलेंज कंप्लीट। और ये हम लोग ड्रैगन एग निकाल लेते हैं और भाई मजा ही आ गया यार। तो भाई तुम लोगों को ये चैलेंज कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग क्या देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बताओ। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। तुम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।